गुनहगारों को कस्टडी में लेकर के जांच की कार्रवाई को आगे बढ़ाए। 3 अक्टूबर को इसकी तारीख मिल गई, मुंबई हाई कोर्ट में 3 अक्टूबर को इसकी सुनवाई होगी। 16-17 सितंबर को जिस तरीके से दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, सुप्रीम कोर्ट से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ, उसके बाद ये जो कीमियागिरी वाले हैं ये घबरा गए और आनन फानन में इस आउटलुक का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं ये मैं अभी आपको बताता हूं। आनन फानन में एक उन्होंने ट्वीट कर दिया कि पूरा देश फिर से कीमियागिरी में लग गया है। मतलब ये जो सज्जन हैं जो आउटलुक के बिहाफ में ट्वीट कर रहे हैं वो ये मानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने की मौत सामान्य मौत थी, आत्महत्या थी, उसका हत्या से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने अपने आप को खुद को खत्म कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, एक एक्टर था, हत्याएं होती रहती थी, होती रहती है, परेशान था, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होंगी, इसलिए आत्महत्या कर ली। और इसलिए अब जो 16-17 सितंबर को सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया लगी और उसने फैसला दिया और 25 सितंबर को फाइल हो गया, तो 24 सितंबर को घबराहट में आउटलुक ने ये ट्वीट किया। अब सवाल है कि आउटलुक ने ऐसा ट्वीट क्यों किया, इसके पीछे का राज हमारे दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है। यूएसएसएसआर के वॉरियर जो हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो और दर्शक हैं हमारे उनको आज ये राज जानना चाहिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे अफसोस है कि मैं उस मीडिया का हिस्सा हूं जिस मीडिया में इस तरह के धत्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं। 14 जून, 13 जून की रात जो डिटेल आए हैं, 13 जून की रात 12 बजे जो कि 14 जून हो जाता है रात्रि के बाद, 12 बजे के बाद 14 जून की रात को यही आउटलुक एक ट्वीट करता है कि बांद्रा से कुछ खबर आ रही है एसएसआर के मौत की। अब आप कल्पना कीजिए, लहरें एक और ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी बहुत प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, मैगजीन है, वीडियो भी उनका कंटेंट आते रहता है, उन दोनों ने इस खबर को ब्रेक किया कि एसएसआर के मौत की खबर आ रही है। रात 12 बजे का ये ट्वीट है, इसका मतलब घटना 13 जून की ही रात की हुई है। अब रात में भी 12 बजे से पहले की है, अब वो 7 बजे की हो, 8 बजे की हो, 9 बजे की हो, 10 बजे की हो, 11 बजे की हो, लेकिन 12 बजे मध्य रात्रि के पहले की घटना है और आउटलुक उसे ट्वीट करता है। आपको मालूम होगा 14 जून के सुबह से लगभग 7-8 बजे के बाद से ये खबरें आनी शुरू हुई कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई है। और इस खबर को किसने पुष्ट किया, कब किया, सुबह 7-6 से 7 के बीच में 8 के बीच में जब बाहर का आदमी जाता है और कहता है कि सुशांत का घर लॉक है, और फिर वो एक चाबी वाले को बुलाता है, फिर चाबी वाला आता है, लॉक खोलता है, तो पहली बार लोगों को जानकारी मिली कि सुशांत इज नो मोर। अब कहानी जो बनाई गई कि सुशांत पंखे से लटका हुआ है, सुसाइड है,
फिर उसके सबको उतारा गया, फिर लिटाया गया, ये सारी कहानी बनी।